हाय, गोदावरी किचन में आप सब लोगों का स्वागत है। आज हम सिंगाड़े की बर्फी बनाने जा रहे हैं, जो अधिकांश उपवास के समय फलाहारी के लिए यूज करते हैं। इसके लिए हमने कढ़ाइया में 3 चम्मच घी डाल दिया है, देसी घी है। और हमारे घी गर्म हो गया है, इसमें हम लेंगे सिंगाड़े की आटा है, 1.5 कप है सिंगाड़े की आटा। इसको हम हल्के आंच में ब्राउन होते तक भूनेंगे, अच्छे से भूनेंगे धीरे धीरे करके कम आंच में, एकदम मीडियम आंच में होना चाहिए भूनने के लिए, नहीं तो आटा है चिपक जाता है, जल जाता है। हल्का ब्राउन हो रहा है, इसका खुशबू भी आ रहा है अलग, और कलर अलग हो गया है, सुंदर दिख रहा है। बस तक इसमें थोड़ी सी और हम घी डाल देते हैं। एक साथ घी डालने से भूनने में थोड़ा पूरा घी सोख जाता है, बाद में डालने से पूरा घी का अलग मतलब स्वाद आता है। इसको अच्छे से मिलाते हैं, इसको अच्छे से भूनने देते हैं थोड़ा देर। ये अच्छे से भून गया है, इसका खुशबू भी बहुत अच्छी आने लग गई है। इसमें हम अब 1/2 किलो दूध है, इसको हम डाल रहे हैं और अच्छे से चम्मच चलाते जाएंगे ताकि गुठली मत पड़े। थोड़ा बहुत गाढ़ा हो गया, इसलिए हम 1/2 कप और पानी ऐड कर रहे हैं। इसमें हम अब 1 कप शक्कर ऐड कर रहे हैं और अच्छे से मिलाएंगे, अच्छे से शक्कर के साथ पकने देंगे इसको। ये अच्छे से अब पक गया है, इसमें हम 1/2 छोटी चम्मच इलायची पाउडर डाल रहे हैं और काजू और बादाम हैं। इसको हम पहले घी में रोस्ट कर लिए थे और छोटे छोटे टुकड़े में करके डाल रहे हैं, फिर अच्छे से और पका और इसको मिलाएंगे। जब तक बर्फी हमारी पक रहा है, जब तक के लिए हम थाली में थोड़ा घी डाल के ग्रीस कर लेते हैं। हमारा बर्फी बनाने के लिए एकदम ये मेटर तैयार हो गया है, पूरा एक मिनट हो जा रहा है। अब इसको हम थाली में डाल देते हैं। अब हम थाली में डाल लिए हैं, इसको अच्छे से बराबर कर लेते हैं। और इसको बराबर करने के बाद 20 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए रख देते हैं, फिर इसको जैसा आकार चाहते हैं वैसा काट लेंगे। इसमें हम अब काजू और बादाम काटे हैं, इसको डाल देते हैं।
अच्छे से सजा दे रहे हैं। और नारियल चूरा है इसको भी थोड़ी थोड़ा ऊपर में कर देते हैं, थोड़ा सा इसको हम ऐसे दबा देते हैं ताकि ऊपर में मत रहे, अच्छा से इसमें चिपक जाए। इसको हम अब ठंडे होने के लिए थोड़े देर के लिए रख देते हैं। हमारा ये बर्फ भी सेट हो गया है। अब इसको हम मन चाहे आकार से, चाहे जैसा भी चाहते हैं वैसा हम काट सकते हैं। काट के जैसे निकाल के दिखा रहे हैं कितना मस्त बना है, ये जो सुंदर सा एकदम, इसको हम ऐसे रख देते हैं फिर निकालते हैं। सिंघाड़े का बर्फी तैयार है खाने के लिए। इसको उपवास में बनाया जाता है, ऐसे भी बना के खाते हैं। बाकी अभी बहुत सारे उपवास आ रहे हैं, उसमें बनाना बनाइए खाइए, और इसमें कोई परेशानी नहीं है, जल्दी बन जाता है, थोड़ा सा बस मेहनत करना पड़ता है, और बस खाइएगा बनाइए। और अपना अनुभव मेरे गोदावरी किचन में शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।